इसको सॉल्व करने के लिए मैं एल्गो अप्रोच यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, चूंकि 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हॉस्टल में रहने वालों की 60/100 और नॉन हॉस्टलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100। इस 60% में से 30% ग्रेड ए लाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/100। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वो अटेंड्स ग्रेड ए गिवन दैट दे आर हॉस्टलियर। ऑन द अदर हैंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट नॉन हॉस्टलियर इज इक्वल टू 20/100। क्वेश्चन में गिवन है एट द एंड ऑफ अ ईयर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है और ये पता चलता है कि ये ग्रेड ए है। तो ये गिवन कंडीशन है और हमें पता करना है कि ये ग्रेड हॉस्टल में रहने वाले ने लिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम बेस यूज करने वाले हैं। इसमें हम फाइंड आउट करने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर गिवन दैट ही हैज अटेंड एन ग्रेड ए। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच दैट इज हॉस्टलियर इंटरसेक्शन ग्रेड ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलियर गिवन दैट दे आर ग्रेड ए ये हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। इसको पाथ वन आप बोल सकते हैं। तो पाथ वन में जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा दैट इज 60/100 मल्टीप्लाइड बाई 30/100। फिर इसको डिवाइड करेंगे 60/100 मल्टीप्लाइड बाई 30/100 प्लस 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 20/100। यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको मिलेगा न्यूमरेटर मिलेगा 18/100 डिनोमिनेटर में 18/100 प्लस 8/100 जो कि आएगा 18/100 डिवाइडेड बाई 26/100। इसको यदि फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कॉमन फैक्टर कैसे करके तो आएगा 9/13। यही हमारा आंसर हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।